हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सॉल्व। गिवन है क्वेश्चन में 2 to the power 3 माइनस क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस 4 to the power 0 माइनस 2 to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3। अब देख लेते हैं इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा है तो वो इसमें हेल्पफुल रहेगा और उसे सॉल्व करने में मदद करेगा। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले 2 to the power 3। इसे हम अभी एज इट इज ही रहने देंगे क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन साइन लगा देते हैं। क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब होता है, जब हम इसे लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब होता है जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं या फैक्टराइज करते हैं तो 2 into 2 into 2, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फाइनली ये ऐसा हो जाएगा 2 to the power 3 क्यूब रूट ऑफ, उससे 3 और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। प्लस 4 to the power 0 का मतलब होता है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में ऐसा है कि अगर किसी वैल्यू पर 0 डिग्री रहता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो हम यहाँ पे 4 to the power 0 का मतलब यहाँ पर लिखेंगे 1। माइनस 2 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3, इसका मतलब यहाँ पर भी एक लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करेंगे हम। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में ऐसा है यहाँ पर कि a रेस टू m डिवाइडेड बाई a रेस टू n, दैट मीन्स ए रेस टू एम माइनस एन। जब भी डिवीजन में इस तरीके से रहता है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हिसाब से जो वैल्यूज इनके बेस नंबर्स क्योंकि सेम है, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो पावर्स जो होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 to the power 5 माइनस 3 होगा, जिसे हम लिखेंगे 2 to the power 2, तो इसे सॉल्व करने पर आएगा 2 to the power 2। नाउ ये सारे सिंप्लीफाइड हो चुके हैं, अब हमें सिर्फ इनके पावर्स के अकॉर्डिंग इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 to the power 3 मीन्स आंसर आएगा 8, बिकॉज 2 multiply 2 multiply 2 इज रिप्रेजेंटेड एज 2 to the power 3 जो कि यहाँ पर है। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर 8 मिलेगा। माइनस 2 plus 1 क्योंकि इनके ऊपर कोई पावर नहीं है तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे। 2 to the power 2 मीन्स 4। जब हम इसे और सॉल्व करते हैं तो 8 minus 2 will be 6 plus 1 minus 4 वी विल राइट एज इट इज, 6 plus 1 is 7 minus 4 एंड आंसर वी आर गेटिंग एस 3 जब इसे सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा सॉल्व स्टेप्स थी इसको करने की, क्वेश्चन हमारा जो था उसका आंसर आ रहा है 3। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल के लिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।